नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। देश में चुनाव कभी खत्म नहीं होता। हम भारत देश के निवासी हैं और भारत में जब एक चुनाव खत्म होता है तो दूसरे चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कभी विधानसभा चुनाव खत्म होता है तो लोकसभा चुनाव आ जाता है, लोकसभा का खत्म होता है तो राज्यसभा का आ जाता है और ये प्रक्रिया कई दिनों से चलती आ रही है, आगे भी चलती रहेगी। बीते कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव खत्म हुआ है, नतीजे आए हैं और अब उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के जो राजनीतिक दल हैं वो 2024 की तैयारियों में लग चुके हैं। ऐसे में 24 के लिए क्या रणनीतियां तय करी गई हैं, राजनीतिक दलों ने कितनी तैयारी की है, कौन कौन से वो प्रमुख मुद्दे हैं और मुद्दों के साथ साथ अपनी हार से कितनी सीख हारे हुए राजनीतिक दलों ने ली है और जीतने वाले राजनीतिक दलों ने और कितनी मजबूती दिखाने की कोशिश शुरू कर दी है, इन सब पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है। हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा का चुनाव आया उसमें नतीजे आप सबने देखे कि जो सत्ता में था वो सत्ता में रह गया और जो विपक्ष में था वो विपक्ष में ही रह गया। लेकिन उत्तर प्रदेश का ये जो चुनाव रहा है इसने एक बार फिर से पूरे देश में बीजेपी को काफी हद तक स्ट्रांग कर दिया। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज की और इससे साफ साबित हो गया कि बीजेपी कहीं ना कहीं देश में काफ़ी हद तक दूसरे राजनीतिक दलों से काफ़ी मजबूत है। लेकिन ये मजबूती क्यों है? आखिर विपक्षी दल बीजेपी की इस मजबूती के मुकाबले अपनी तैयारी किस नज़र से कर रहे हैं, अपने संगठन को किस तरह से मजबूत कर रहे हैं, ज़मीन पर किस तरह से काम कर रहे हैं और क्यों आखिर बीजेपी लगातार इस तरह से मजबूत होती जा रही है, इन सब चीज़ों पर राजनीतिक दलों के साथ साथ हमें और आपको भी विचार करना बहुत ज़रूरी है, चर्चा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आने वाला जो 24 का चुनाव होगा वो देश का चुनाव होगा और उसमें हमें और आपको वोट देना है, सरकार को चुनना है। उत्तर प्रदेश का अगर पिछला चुनाव देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी पार्टी यानी बीजेपी अलायंस और समाजवादी पार्टी अलायंस के बीच चुनाव रहा था। नतीजे भी कुछ उसी तरह से आए, 270 करीब सीटें बीजेपी ने जीती तो 125 सीटें समाजवादी पार्टी अलायंस के खाते में आए थे और जो राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ रहे थे, चाहे वो बसपा की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, आम आदमी पार्टी की बात कर लें, इन लोगों के सामने वो नतीजा आया जो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं। 2012 के समय में जो राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में सत्ता में थे, जो राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में काफ़ी हद तक मजबूत थे, जिनका अपना एक जनाधार था, जिनका अपना एक वोट बैंक था, वो इस विधानसभा के चुनाव में इस कदर पटकनी खाए हैं कि आने वाले समय में वो किस तरह से मजबूत होंगे इस पर भी विचार विमर्श करना उनको भी ज़रूरी है और हमें और आपको भी विचार विमर्श करना ज़रूरी है। हम बसपा सपा की बात कर रहे हैं और नए राजनीतिक दलों की बात कर रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी है उसको भी काफ़ी हद तक बहुत कुछ फ़ायदा इस चुनाव में नहीं मिला, हालांकि वो उनका पहला चुनाव था। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुकाबले अगर बसपा और कांग्रेस को देखा जाए तो बसपा और कांग्रेस की जो हालत इस विधानसभा चुनाव में हुई है उससे ये साफ साबित हो रहा है कि उन्होंने अपनी पिछली गलतियों से कोई भी सीख नहीं ली थी। संगठन सही तरीके से काम नहीं कर रहा था, वो जनता के बीच में सही तरीके से नहीं जा पा रहे थे और इसी वजह से ये खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। अगर वोट की बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश का जो 2022 का नतीजा आया है उसमें बीजेपी और सपा के वोट को जोड़ दिया जाए तो करीब 80% उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी और बीजेपी को चहेता माना है। बीजेपी सत्ता में है, समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है और उनके गठबंधन की जो पार्टियां हैं उनको चहेता माना है और बाकी की जो 20% या बोला जाए 18%, ये जो वोटिंग प्रतिशत रहा है ये वोटिंग प्रतिशत अन्य राजनीतिक दल जिन्होंने वो नतीजा नहीं सोचा था कि नतीजा क्या आने वाला है, उन्होंने ये सोचा था कि नतीजा बहुत बेहतर आएगा लेकिन आया वो जिसकी उन्होंने अपेक्षा तक भी नहीं की थी। ऐसे में अब आगे की रणनीति क्या है 24 के लिए, समाजवादी पार्टी किस तरह से अपनी रणनीतियों को तय कर रही है, इसके साथ जो अलायंस राजनीतिक दल हैं वो किस तरह से अपनी रणनीतियों को तय कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में नई है वो भी लोकसभा चुनाव में तैयारी करेगी, उसने क्या रणनीतियां बनाई है, कांग्रेस बसपा किस तरह से तैयारियों में लगी हुई है, लेकिन इन सबके बीच समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है
समाजवादी पार्टी के गठबंधन के अंदर काफी कुछ चल रहा है और उस गठबंधन में देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से शिवपाल सिंह यादव नाराज दिख रहे हैं, जिस तरह से आजम खान नाराज दिख रहे हैं, उससे ये साफ साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए आने वाले 24 के चुनाव में काफी समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि शिवपाल यादव लगातार इस बात को कह रहे हैं कि वो आने वाले समय में कुछ नया कर सकते हैं, लेकिन वो नया क्या है अभी तक नहीं पता। फिलहाल मामला ये है कि अभी शिवपाल सिंह यादव ने एक ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने बीजेपी के ऊपर भी हमले किए थे, जिससे ये साफ साबित होता है कि उनकी ना तो बीजेपी से कुछ बन रही है और ना ही अपने भतीजे से अखिलेश यादव से समाजवादी पार्टी से कुछ बन रही है। और आजम खान का मामला सबको पता है, तो ऐसे में ये देखना होगा कि अब आने वाले चुनाव में इन राजनीतिक दलों के लिए क्या टॉपिक है, क्या मुद्दा है, क्या रणनीतियां हैं, क्या तैयारी है। समाजवादी पार्टी ने, उनके अलायंस ने अपनी हार से कितनी तैयारी की है, कितनी रणनीतियां उन्होंने बदली हैं, क्या तैयारियां और करनी बाकी हैं। आखिर बीजेपी अगर जीत रही है तो ये राजनीतिक दल जो बाकी के उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में हैं, ये बीजेपी के पब्लिक कनेक्ट को क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं कि आखिर पब्लिक उन्हें इतना वोट क्यों दे रही है जो अन्य राजनीतिक दलों के खाते में नहीं जा रहा है। ये सारे सवाल जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लगातार बनते जा रहे हैं और इस पर चर्चा होनी ज़रूरी है राजनीतिक दलों के गलियारों में भी, राजनीतिक पार्टियों के बीच में भी और चैनल्स पर भी, क्योंकि यही राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश का भविष्य भी तय करते हैं। 24 के चुनाव में इन्हीं उत्तर प्रदेश की जनता भी चुनने वाली है। इसके अलावा एक और अहम रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट ये है कि जिस तरह से 22 के जो नतीजे आए हैं, अगर इसी पैटर्न पर उत्तर प्रदेश में 24 का चुनाव होता है, मतलब इसी वोटिंग प्रतिशत के और इसी जनता के वोट के मत पर अगर देखा जाएगा, तो जो वोटिंग प्रतिशत इस बार विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी या उनके अलायंस के खाते में आया है, उससे बीजेपी को 10% सीटों का नुकसान आने वाले 24 के चुनाव में होता दिखाई दे रहा है। और समाजवादी पार्टी आरएलडी के गठबंधन की अगर बात करी जाए तो 36% वोट उनको अभी चुनाव में मिला है और अकेले 32% वोट बैंक जो है वो समाजवादी पार्टी के खाते में अकेले गया है, 41.29 बीजेपी के खाते में गया है। तो ये एक अच्छी खबर है समाजवादी पार्टी के लिए। और कई सारी ऐसी प्रमुख सीटें हैं जहां पर बीजेपी की सांसदी थी, बीजेपी के जीते हुए सांसद हैं, वहां पर भी समाजवादी पार्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है और आने वाले चुनाव में और बेहतर कर सकती है अगर इन चीज़ों को लेकर के एक बेहतर रणनीति तैयार की जाए। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर विपक्ष की क्या रणनीति, विपक्ष कितना आ रहे हैं, एक रिपोर्ट देखिए और उसके बाद मैं इस डिबेट को शुरू करता हूं। ।2022 के विधानसभा चुनावों का लेखा जोखा सामने आ चुका है। जो पक्ष था वो पक्ष में रह गया, जो विपक्ष था वो विपक्ष में है, लेकिन सीटों व वोटों के आंकड़ों में बदलाव 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में नए समीकरण का इशारा कर रहे हैं। 2022 जैसे वोटिंग पैटर्न 2024 में दोहराए गए तो भाजपा की सीटें 10% तक घट सकती हैं। वहीं सपा गठबंधन के खाते में 1/4 से अधिक सीटें जाने के आसार हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव के मुद्दे, समीकरण और चेहरे विधानसभा से बिल्कुल जुदा होते हैं। बहरहाल यूपी विधानसभा के हालिया नतीजों में सपा गठबंधन को 125 सीटें मिली हैं, उसका वोट शेयर बढ़कर 36% पहुंच गया है, इसमें 32 से अधिक वोट सपा को मिले हैं। वहीं भाजपा का वोट शेयर बढ़कर 41.29% हो गया है, 2017 के मुकाबले करीब 2% अधिक ये वोट प्रतिशत बताया जा रहा है। गठबंधन को 45% के करीब वोट मिले हैं। मुस्लिम बहुल सीटों पर सपा के पक्ष में हुई गोलाबंदी और जाटों के बढ़े समर्थन ने वेस्ट यूपी में गठबंधन के लिए नई संभावनाएं तलाश दी हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन ने 64 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। गठबंधन का वोट शेयर 51% था, इसके मुकाबले विधानसभा में गठबंधन का वोट करीब 6% घटा है। वहीं सपा,
बसपा व रालोद के महागठबंधन को 39.23% वोट मिले थे। तब बसपा भी गठबंधन का हिस्सा हुआ करती थी। गठबंधन में सपा को 5 व बसपा ने 10 सीटें जीती थी। 2019 के मुकाबले सपा गठबंधन का वोट शेयर करीब 3% ही घटा है, जबकि बसपा गठबंधन से बाहर है। इसका सीधा फायदा सपा गठबंधन को 2014 के लिहाजे से दिख रहा है। बहरहाल ये सभी राजनीतिक दल 2024 की तैयारियों में फुल प्रूफ तैयारियों के साथ जुटे हुए हैं। देखना ये होगा कि इस बार 2024 के नतीजे किस करवट बैठते हैं, किस राजनीतिक दल का खाता बेहतर तरीके से 2024 के चुनाव में खुलता है, लेकिन तैयारियां लगभग सभी की जोरों पर हैं। प्राइम डेस्क लखनऊ। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है वो सभी जुड़ गए हैं, उनसे आपको रूबरू कराता हूं, फिर इस डिबेट को शुरू करूंगा। विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा जावेद अहमद साहब हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, सत्यजीत अतवारा साहब हमारे साथ प्रसपा से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा अनुराग मिश्रा हमारे साथ आप आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, और जैनिंद प्रताप अर्कवंशी हमारे साथ सुभाषपा से जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का आज की इस डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। विवेक जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा, सत्ता में हैं आप लोग, 24 के चुनाव को लेकर के आपकी जीत 2022 की बहुत ही अहम रही है, अब 24 की कैसी तैयारियां हैं उत्तर प्रदेश में विपक्षियों के मुकाबले, आप अपने आप को कितना मजबूत समझ रहे हैं? देखिए नितिन जी, 2024 का दृश्य भी जनता के सामने बहुत स्पष्ट है। 2022 में तमाम कयासों के बावजूद जिस तरह से जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट और प्रचंड बहुमत दिया, मैं प्रचंड शब्द का अलग से उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि जिस तरह से तमाम सरकारों को लेकर एंटी इनकम्बेंसी होती है और तमाम विपक्ष के प्रोपगंडा के बावजूद भी हम जितनी सीटों के साथ सत्ता में आए उसको हम प्रचंड ही कहते हैं। अच्छा। और जिन सीटों पे हम हारे भी हैं उन सीटों पे किन कारणों से हारे और कितने माइन्यूट अंतर से हारे, वो भी सब चीज़ें आपके सामने हैं। जब भारत का चुनाव होता है तो पूरे देश के सामने देश की सुरक्षा, एकता अखंडता, आतंकवाद जैसे जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं और उन सारे मुद्दों पे अच्छे से परफॉर्मेंस देने वाला जो व्यक्तित्व है वो आज की तिथि में केवल और केवल नरेंद्र मोदी है। पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे जाके टिक जाता है। और विपक्ष की समस्या ये कि विपक्ष के पास कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जो मोदी जी के उस इमेज के बराबर, तो छोड़ दीजिए दूर दूर तक कहीं किनारे भी खड़ा हो पाता। समाजवादी पार्टी से कोई भय, कोई डर? देखिए, समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी को ना कोई भय है, ना डर है, ना इनकी कोई चिंता है। अच्छा। हाँ, इन्हें अपने घर में चिंता करने की आवश्यकता जरूर है। इनके चाचा भतीजा का जो रोज रोज की जो तकरार है, जो सोशल मीडिया पे और तमाम मीडिया संस्थानों में उसको सुलटाने में तो आप लोग खुद लगे हुए हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी उसमें क्यों सुलटाने में लगेगी? हाँ, अगर कोई दर्द बयान करने आ रहा है या कोई दवा ढूंढने आ रहा है तो आने दीजिए भाई। मुख्यमंत्री से अगर समय मांगेंगे, विधायक है तो समय तो मिलेगा मिलेगा। अब दवा मिलती नहीं मिलती है तो वक्त की बात है, लेकिन जिस तरह अंदर खाने इनके यहाँ रोज रोज की तकरार हो रही है, जो सोशल मीडिया पर तमाम मीडिया में जग जाहिर हो रही है, तो पहले अपने घर की समस्या सुलझा लें। तो समाजवादी पार्टी से या बहुजन समाज पार्टी से या कांग्रेस की चिंता भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने परफॉर्मेंस से अच्छा परफॉर्मेंस देने की चिंता करती है। जिस दिन से हम सत्ता संभाले उसके आगे ही समय से हमने कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण वर्ग का कार्यक्रम दिया, जिसमें हम कार्यकर्ताओं को तमाम मोर्चों पे कैसे परफॉर्म करें उसका हम प्रशिक्षण दे रहे हैं, और आगे हम 2024 के तैयारी में जुट चुके हैं। ठीक है सर। और पूरा देश के सामने नरेंद्र मोदी जी का चेहरा सबके सामने। ठीक ठीक है। जावेद अहमद साहब हमारे साथ सपा से हैं। जावेद भाई, हार मिली है आप लोगों को 22 में, लेकिन 24 को लेकर के क्या रणनीतियाँ, क्या तैयारियाँ हैं? हार पर कोई मंथन हुआ? कैसे आगे की रणनीति तय हो रही है? क्या चल रहा है? देखिए नितिन जी, बहुत साफ सी बात है, लोकतंत्र में जय और पराजय ये दोनों हिस्सा है उसका। जनता का जनादेश होता है, हम उसको स्वीकार करते हैं।
और उसको कोई अस्वीकार अगर करता है तो वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। निश्चित रूप से हर पराजय के बाद राजनीतिक दल चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, विमर्श होता है कि हमें उसमें आगे जाकर क्या करना है, हमसे कहां पर कमियां रह गई, कहां पर हमसे गलतियां हुई हैं कैंपेन में। निश्चित रूप से उस पर वो आगे बढ़ने का फिर राजनीतिक दल काम करता है। समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से, देखिए आप 2012 में समाजवादी पार्टी ने जब सरकार बनाई थी तो 29% के लगभग वोट मिला था, 22 में हम 32% वोट अकेले लेकर आए, लेकिन हमें विपक्ष में बैठना पड़ रहा है, हमारे जो सहयोगी अगर उनको मिला लें तो भाजपा और समाजवादी गठबंधन के बीच में आपने भी बताया कि 4.5% के लगभग का एक अंतर था। इस अंतर को कैसे पाटना है, हमको भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से जनता को मुक्ति दिलाने के लिए एक बड़ी रेखा किस तरीके से खींचनी है, यह राजनीतिक दल निश्चित रूप से करता है और अपने कार्यकर्ताओं को भी फिर से सक्रिय करके उनमें नई ऊर्जा के साथ समाजवादी पार्टी आगे बढ़ने का काम कर रही है। लेकिन आपने कुशासन की बात कही है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि सवा महीना करीब बीत चुका है नतीजे आने के बाद भी कोई ऐसा प्रोटेस्ट, कुछ ऐसी मांग को लेकर सड़क पर उतरना, कुछ ऐसा देखने को ही नहीं मिल रहा है। देखिए एक चीज और देखने को मिल रही है कि जो आपका गठबंधन है वो आपस में टूट रहा है, शिवपाल जी अलग नाराज हैं, आजम खान अलग नाराज हैं। देखिए ये जो देखिए भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि देश में पूरी तरीके से लोकतंत्र को एक पहिए पर चलाया जाए, विपक्षी दलों को किस तरीके से कमजोर किया जाए, उसमें अब यहाँ तक आ गई है राजनीति भारतीय जनता पार्टी की कि किसके बेडरूम में क्या हो रहा है। अच्छा। उसके लिए भी ये अब लगातार परेशान होते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकती है, ये सब लोग जानते हैं, और जो भाजपा को खतरा है वो समाजवादी पार्टी से है। ये लगातार इस तरीके का प्रोपोगंडा हल्ला गुल्ला मचा कर रखते हैं कि ये यहाँ पर टूट रहा है। अब देखिए आज अब आरएसएस ने जब मन से और भाजपा के गठबंधन को ग्रीन सिग्नल दिया, उसी के दूसरे दिन से राज ठाकरे साहब दूसरे रास्ते पर चले गए और एकदम से वो राजनीति में सक्रिय हो गए। अब वो उत्तर प्रदेश आना चाहते हैं। आज इनके ही एक नेता ने, देखिए ये किस तरीके से रणनीति बनाते हैं, इनके सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि जब तक राज ठाकरे माफी नहीं मांगेंगे उनको हम अयोध्या में घुसने नहीं देंगे। अब देखिए है क्या, ये इसके पीछे बड़ी रणनीति के साथ ये काम करते और इन रणनीतियों को दूसरे विपक्षी राजनीतिक दल और आम जनमानस और बौद्धिक वर्ग भी समझने लगा है कि ये जिस तरीके से राज ठाकरे हिंदी भाषियों और उत्तर भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार करते रहे, उनके साथ बयानबाजी करते रहे हैं, तो अब ये बहुत दूर से चलते हैं कि अधिकृत बयान भी ना हो। कई चैनलों पर आज भाजपा के प्रवक्ताओं ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का बयान नहीं, लेकिन इस तरीके के बहुत बयान आते हैं जैसा ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने आज दिया कि हम अयोध्या में नहीं घुसने देंगे, पहले वो माफी मांगे। तो निश्चित रूप से ये एक भारत है और इस एक भारत की कल्पना हमारे पूर्वजों ने जो की थी वो आज सामने खड़ी हुई है। कोई भी मराठी उत्तर प्रदेश में आके व्यवसाय कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तो हम उत्तर प्रदेश के लोग तो किसी के साथ अपमानजनक व्यवहार नहीं करते, हम पूरे भारत को, चाहे वो दक्षिण का हो, पश्चिम का हो, पूर्वोत्तर का हो, हम सबको अपना भाई, अपना साथी मानते हैं, अपने देश का निवासी मानते हैं। लेकिन ये पब्लिक का टेम्परेचर नापते नापते यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि पहले किसी ऐसे नेता से बयान दिला दो और बाद में ये कहते रहो कि अब भाजपा को मराठी वोट भी चाहिए और उत्तर भारतीयों का भी महाराष्ट्र में वोट चाहिए, तो इस तरीके की बयानबाजी करते रहो, लोगों को लड़ाते रहो, लड़ लड़कर इस देश का चाहे जितना नुकसान होता रहे, भाजपा के मित्रों का और भाजपा की सत्ता बनी रहे, ये इसके लिए पूरी रणनीति बनाते हैं जिस तेजी के साथ। ठीक है भाई, ठीक है मैं आता हूँ आपके पास। सत्यजीत सिंह हमारे साथ प्रसपा से हैं। सत्यजीत जी, विवेक श्रीवास्तव कह रहे थे कि गठबंधन ठीक नहीं चल रहा है, 24 कैसे लड़ेंगे आप लोग, शिवपाल जी कुछ दर्द में हैं, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक ट्वीट भी किया था कि जिसे गोद में खिलाया उसने भी धोखा दे दिया, इस तरह का एक ट्वीट था, और विवेक जी भी कह रहे हैं कि अपना दर्द बांटने के लिए वो हमारे पास अक्सर आते हैं। क्या तैयारी है 24 की, क्योंकि आप लोग अगर एक साथ मिलकर लड़ते तो शायद बेहतर होता, लेकिन अब तो लग नहीं रहा है कि एक साथ हैं। पहले मैं भारतीय जनता पार्टी से ना बोल करके पहले समाजवादी पार्टी के साथी को बोलूं। उन्होंने कहा कि हर पराजय के बाद चिंतन करने की आवश्यकता होती है, तो इनसे मैं जानना चाहूंगा क्या हर पराजय के बाद चिंतन ही करते रहे, कुछ उसके आगे भी करेंगे?
2014 में हारे, 2017 में हारे, 2019 में हारे, 2022 में हारे, तो क्या हारने का पराक्रम दिखाना है? अगर हारने का ही चिंतन करना है, मनन करना है, तो आगे कुछ करना नहीं, तो क्या फायदा राजनीति करने से? तो मेरा आशय सिर्फ इतना है कि इनको गठबंधन को सहेज के रखना चाहिए था, और गठबंधन के सभी दलों को, सभी दल के नेताओं को तरजीह देना चाहिए था, और पूरी तरीके से सबको जोड़ करके चलना चाहिए था। कोई भी गठबंधन सफल तब होता है जब लोगों को जोड़ के चलता है। खाली प्रस्पा अलग है, ओम प्रकाश राजभर भी साथ हैं, ओम प्रकाश राजभर आज ही कह रहे थे कि मैं 24 का चुनाव साथ लड़ूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी देखिए नितिन जी, आजम खान साहब के बयान को आपने लगातार सुना होगा। पूर्व विधायक है इरशाद खान, जो है वो अखिलेश, देखिए समाजवादी पार्टी के विधायक, और शफीकुर रहमान बर का भी आपने सुना होगा, और सहजिल इस्लाम को भी आपने सुना होगा, नाहिद हसन को भी आपने सुना होगा। किस किस को सुनाऊं मैं, आप खुद सुनिए। तो आखिर अगर इरशाद खान, शफीकुर रहमान, सहजिल इस्लाम और नाहिद हसन, ये सारे लोग कहीं ना कहीं बगावत के सुर अपना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है नेतृत्व में कोई कमी है। तो हम ये कहना चाहेंगे नितिन, पहले नेतृत्व को आत्मालोकन करने की जरूरत है, आत्मथन करने की जरूरत है, उनको चिंतन करने की जरूरत है। अगर वो चिंतन चिंतन मनन करते, कुछ ऑडियो का डिस्टरबेंस है आवाज आ रही है? हां बोलिए सर जी। हां तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि किसी भी तरीके से समाजवादी गठबंधन दुरुस्त रखना था, तो इनको चाहिए था कि हर हाल में वरिष्ठ नेताओं को तरजीह देते, जो वरिष्ठ नेता थे इनको जो है इनके अनुभवों का लाभ उठाते, और इनके अनुभवों का लाभ उठा पा रहे हैं तो समाजवादी नेतृत्व की कमी। अब रही बात, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि अब कुछ भी बचा नहीं है, सब कुछ मतलब एकदम खत्म। देखिए सवाल ये नहीं है कि क्या बचा क्या नहीं बचा नितिन जी, सवाल यह है कि क्या सम्मान मिला। सबसे बड़ी बात है, हम बार बार कहते आए हैं, ठुकरा दो अगर दे कोई जिल्लत से समंदर, जैनेन्द्र प्रताप अरकवंशी हमारे साथ SBSP से हैं। जैनेन्द्र, आप लोगों की क्या तैयारी है 24 को लेकर के? शिवपाल जी और अभी सत्यजीत जी भी बता रहे हैं कि काफी कुछ नाराजगी है समाजवादी पार्टी गठबंधन में। बीजेपी जीतने के बाद भी तैयारी में लगी हुई है, आप हारने के बाद भी अपनी पार्टी और अपने गठबंधन को मजबूत नहीं कर रहे हैं, संगठन दूर की बात है, जनता के बीच जाना दूर की बात है। नमस्कार सभी को। संगठन अपने तौर पर काम कर रहा है, जनता के बीच में जा रहा है। कल भी आपने देखा होगा कि परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने बात की थी, और वो जनता के मुद्दे को लेके ही गए थे उनके पास, एक बस डिपो की मांग को लेके गए थे। तो ऐसा नहीं है कि जनता के बीच में, डेली जनता के बीच में जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं। रही बात संगठन के ऊपरी लेवल की क्या चल रहा है, देखिए वो सपा का पारिवारिक अखिलेश जी और चचा शिवपाल जी का आपसी पारिवारिक मामला है, वो सुलझ जाएगा, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, नहीं है। और उससे हमें तो दूर रहना चाहिए। नहीं अब देखिए होने को क्या बोला जा सकता है, लेकिन वो सुलझ जाएगा। अच्छा। जहां तक बात रही कि आजम खान जी या जी, अगर उनको मौका मिलेगा बिल्कुल सुलझाएंगे। और सवाल यहाँ पे कि अगर आप लोग इसी चीज में लगे रहेंगे, सुलझाते रहेंगे, लड़ाई समझाते रहेंगे, मिलाते रहेंगे, तो चुनाव की तैयारी का क्या होगा? बीजेपी तो फिर बहुत आगे निकल जाएगी। नहीं नहीं बात सुलझाने की नहीं है, बात है केवल मनाने की, जो कि चाचा जी और भतीजे के बीच में थोड़ा सा कहीं दूरी अगर खटास आ गई है, वो लोग आपस में बैठ के इस चीज को सुलझा लेंगे। इसमें ऐसा बाहर वालों की कोई जरूरत ही नहीं है, परिवार का मामला है। अच्छा। आप इस चीज को समझिए। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि संगठन इतना शक्तिशाली है कि परसेंटेज में वोटों के जरूर 5.5-6% का अंतर रहा, लेकिन मैं आपको बता दूं 30 सीटों पे जो अंतर रहा वो 500 वोटों का रहा, 49 सीटों पे 1000 वोटों का रहा, और 86 सीटों पे 2000 वोटों का रहा। विवेक जी भी तो इसी बात को कह रहे हैं कि जहां पर हम आ रहे हैं वहां पर अंतर बहुत कम रहा है, वो भी हम जीत सकते थे। नहीं नहीं ये उनका नहीं है, उन्होंने शायद ध्यान से देखा ही नहीं है। हाँ। ये उनका अंतर नहीं है, ये हमारा अंतर मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा। 165 सीटों पे हमारे हारने का अंतर 2000 कम से 2000 कम वोटों से, यानी 330,000 वोटों के अंतर से ही पूरी सरकार बनी और बिगड़ी।
अच्छा। हमें पिछली बार शायद हो सकता है हम जनता को सही से समझा नहीं पाए, लेकिन जनता को अब फिर से वो चीजें नजर आ रही हैं जो इन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम रोक रखे थे, गैस सीएनजी चाहे एलपीजी के दाम रोक रखे थे, बढ़ने नहीं दिए थे। वो एक छलावा था, जनता को समझ में आ गया। और देखा आपने कि चुनाव खत्म होने के बाद लगातार 18 दिनों तक तेल के दाम 85-85 पैसा बढ़ते रहे, और आज फिर वही तेल के दाम पहले ढाक के 3-5 की तरह पहले की तरह आ गए। नहीं, सड़क पर हम उतरेंगे। और देखिए होता क्या, मैं तो ये करीब 20 दिनों से सुन रहा हूँ आपके नेताओं से कि हम उतरेंगे उतरेंगे उतरेंगे, लेकिन समय नहीं। मैं आपको, आप मुझे 10 सेकंड एक्स्ट्रा दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। एक बहुत बड़े पत्रकार थे वो उत्तर प्रदेश के, जब 2011 के चुनाव हुए थे, 12 के चुनाव हुए थे, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बन गए थे, तो वो राजनाथ सिंह जी के पास गए थे, मतलब जस्ट 15-20 दिन बाद इंटरव्यू लेने उनका। उन्होंने पूछा उनसे कि राजनाथ जी से कि आप सपा के ऊपर कुछ बोलिए, वो जीत के आए हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी रहने दीजिए, अभी अभी नए नए वो मुख्यमंत्री बन के आए हैं, आप जनता ने उनको बहुमत से जिताया है, तो जनता का अपमान हम नहीं करेंगे, रुक जाइए। पीरियड वाला टाइम उस पार्टी के लिए अच्छा लगता है ना, जो 5 साल पहले ना रहा हो, ये तो 5 साल रहकर आए हैं, फिलहाल ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। ये देखिए, यहाँ पे एक और चीज आप देखेंगे, मैं एक 10 सेकंड और लूंगा। यहाँ एक और चीज देखेंगे आप, कानून व्यवस्था देखिए आज, ये पुलिस के ही लोग बलात्कार कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। 2 पुलिस वालों ने अभी अभी आत्महत्या की है एटा में, और एक और जगह पर की है जो रश्मि यादव करके हैं, उन्होंने आत्महत्या की है। पुलिस वालों का आप दबाव देखिए, और पुलिस वालों की आप गुंडागर्दी देखिए। ठीक है, मैं आता हूँ पुलिस के ऊपर। ठीक मैं आता हूँ आपके पास। अनुराग मिश्रा हमारे साथ आम आदमी पार्टी से। अनुराग जी, आप लोगों ने विधानसभा चुनाव लड़ा, बहुत कुछ बेहतर तो नहीं हो सका, लेकिन आप लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। लोकसभा के लिए क्या तैयारियां हैं, क्या मुद्दे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद आप लोग उत्तर प्रदेश में बहुत सक्रिय नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चुनाव के दौरान या चुनाव से पहले हर मुद्दे पर आपके नेताओं का पहुंचना, आपके लोगों का सड़क पर उतरना, वो नतीजे आने के बाद बिल्कुल खत्म सा हो गया, ऐसा दिखाई दे रहा है, क्यों? देखिए मेरी जा रही है। हाँ बोलिए बोलिए अनुराग जी, आ रही है। हाँ, पहली बात तो ये ठीक बात नहीं है, मैं आपको बता दूं, हम लोग बराबर सक्रिय हैं, सड़क पर हैं, पहले भी थे, आज भी हैं, और अभी जो तमाम तरह की घटनाएं घटित हुई हैं, और चंदौली में जिस तरह से पुलिस वालों ने जो बर्बरता पूर्वक रेप का जो अभी मामला निकल करके आया है, कल हमारे सांसद जी वहां भी जा रहे हैं, आज वो प्रयागराज में थे, कल सांसद जी वहां जा रहे हैं, परसों पूरे जिला मुख्यालयों पर हम लोग सब लोग जोरदार प्रदर्शन करेंगे उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर। तो हम सड़क पर बराबर इनके कुशासन के खिलाफ लड़ रहे हैं, और हम ही लड़ रहे हैं, ये भी मैं बता दूं। पिछले आप ही लड़ रहे हैं, बाकी विपक्षी दल उत्तर प्रदेश के नहीं लड़ रहे हैं। शायद अगर विपक्षी दल लड़ा होता अच्छे से तो आज जो रिजल्ट आया है, मैं मानता हूँ वोटों का कन्वर्जन उनके पक्ष में हुआ, क्योंकि हमारा ये पहला चुनाव था, और जो लोग सत्ता पक्ष से नाराज थे वो सारे के सारे लोग मिल करके ये सोच रहे थे कि भाई आज इनके पास संगठन नहीं। हम जहां जहां भी जाते थे लोग कहते थे कि आज आपका पहला चुनाव है अभी, तो इस वजह से आप बहुत अच्छे हो, आपकी पार्टी बहुत अच्छी है, आप लोगों ने संघर्ष किया, सब कुछ ठीक है, लेकिन चूंकि आप सत्ता में आते दिख नहीं रहे हो और हम कोई चांस लेना नहीं चाहते, तो जनता ने पूरी कोशिश करी, जनता ने पूरी कोशिश करी, योगी जी को हटाने के लिए वोट लोग दे रहे थे, न कि वो किसी को लाने के लिए वोट दे रहे थे। तो एक तो ये बात महत्वपूर्ण है जो समझने वाली बात ठीक है। अब सवाल ये है कि क्यों सत्ता से योगी जी हट नहीं पाए, तो ये काम की वजह से नहीं हुआ है, क्योंकि काम तो बहुत, परफॉर्मेंस पहले भी बहुत खराब था, आज भी बहुत खराब है, इसको समझने की जरूरत है। कानून व्यवस्था पहले भी बहुत खराब थी, आज भी बहुत खराब है। गाजियाबाद में डॉक्टर दंपत जाते हैं उनके ऊपर हमला हो जाता है, अभी कुछ दिन पहले चंदौली में मासूम बेटी के साथ जो हुआ वो आप सबके सामने है। जिस तरीके से ललितपुर में पुलिस वालों ने गैंगरेप में खुद शामिल होकर के साजिश करके जिस तरीके से मासूम के साथ रेप, सुन लीजिए पूरी, फिर आता हूं मैं। प्रयागराज में जो स्थिति थी वो आपने देखा ही है। देश भर में इतने सबके बावजूद भारतीय जनता पार्टी जीतती क्यों है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने
गुंडे और माफिया भर रखे हैं। अच्छा, ये लफंगों की पार्टी बन चुकी है। अरे आम आदमी पार्टी, विवेक जी सुन लीजिए, विवेक जी सुन लीजिए, फिर इस तरह की भाषा जिस तरह डिबेट में शोभा नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। 11 लाख ये सारा सर्टिफिकेट आप अपने से ले लेते हो, वो सही बात है। आप अपना आप अपने शब्दावली को ठीक कर ले। 11,54,000 पे बैठ कर किसी भी दल, किसी भी दल के अनुरोध एक एक करके बोलिए प्लीज, एक एक करके, ऐसे किसी का ऑडियो नहीं आएगा प्लीज। सत्यजीत जी, जनेश जी, मैं आ रहा हूँ आप लोग पास, बारी बारी आ रहा हूँ। किसी भी दल के कार्यकर्ता के लिए लफंगा शब्द प्लीज, वन बाई वन प्लीज, वन बाई वन शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए हर किसी को, चाहे जो प्रवक्ता परिवार के, चाहे जो दल किसी दल का करके हत्या कर दी गई। लफंगा शब्द नहीं प्रयोग करना। गैंग रेप हुआ जिसमें पुलिस के लोग शामिल हुए, क्या चंदौली की घटना झूठी है? तमाम चीजें तो हो रही हैं, ठीक है, वो हत्या हो लोगों बुलाकर। और जीतने भी की सुनिए, एक बात बता दूं, क्यों ये जीतते हैं उसको चुनना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये नफरत का व्यापार करते हैं, लोगों को लड़ाने का व्यापार करते हैं, बेरोजगार नौजवानों को भटकाने का काम करते हैं। जब वो रोजगार मांगने की बात करता है तो वो कहते हैं हिंदू खतरे में है, और उसको बरगलाने का काम करते हैं। ठीक है, मैं आता हूं। तो इसीलिए राष्ट्र हमारी जो तैयारी है, अब आप उसको सुन लीजिए थोड़ा सा, दो मिनट मुझे भी दीजिए, सबको बहुत धैर्य से सुना। तैयारी जनता के बीच में, हमारी जो तैयारी है, इनके इनके नापाक इरादों को खोल कर रखेंगे। पंजाब में सरकार बनने के बाद जहां जहां भी हमारे नेता जा रहे हैं, जबरदस्त तरीके से लोगों का समर्थन मिल रहा है। हम लोगों को राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे और इनके छद्म राष्ट्रवाद को नंगा करेंगे। हमारा समझौता देश के 125 करोड़ लोगों के साथ, 125 करोड़ लोगों के साथ, उनके रोजगार को लेकर के होगा, उनकी शिक्षा को लेकर के होगा, उनके स्वास्थ्य को लेकर के होगा, उनके बिजली को लेकर के होगा, उनके रोजमर्रा की जरूरतों के साथ होगा। और निश्चित मुझे यकीन है कि 24 में उसका परिणाम आपको दिखाई देगा। मैं आता हूं, मैं आता हूं जैनेन्द्र, मैं आपके पास आता हूं, विवेक जी आता हूं, पहले जावेद जी के पास, क्योंकि जावेद जी बोलना चाह रहे थे कुछ। जावेद जी, सत्यजीत जी कुछ बोल रहे थे, तो आप कुछ बोलना चाह रहे थे। देखिए नितिन जी, सत्यजीत जी जो बात कह रहे थे, देखिए शिवपाल जी का पूरा सम्मान है, लेकिन देखना ये चाहिए कि आप एक बात कर रहे हैं, शिवपाल जी जब सपा के साथ आए चुनाव के समय, तो उस समय क्या कहा कि अखिलेश जी हमारे नेता हैं और हम उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरा संघर्ष करेंगे। ठीक है, आपने सम्मान दिया हमारे नेता को, निश्चित रूप से आप उस सम्मान को कहां पर राजनीतिक धरातल पर परिभाषित करना चाहते हैं कि किस तरीके का सम्मान चाहिए, पहली बात। दूसरी बात आऊंगा सत्यजीत जी, सुन लीजिए, दूसरी बात, शिवपाल जी, शिवपाल जी से कोई व्यक्तिगत कोई रंजिश तो नहीं है। जब हमने अखिलेश गठबंधन ने अखिलेश जी के नेतृत्व में उनको मुख्यमंत्री मानकर चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ने के बाद ठीक है जनता ने हमको जनादेश नहीं दिया, हमें विपक्ष में बैठने का आदेश मिला, तो क्या अखिलेश जी उस समय जनता के जनादेश का सम्मान करते हुए उत्तर प्रदेश की राजनीति के बजाय दिल्ली की राजनीति करते हैं, और ये जनता के जनादेश का अपमान नहीं होता? विधायकों ने सर्वसम्मत रूप से उनको नेता विधानमंडल दल चुना, और उसमें दो विधायकों को छोड़कर सभी विधायक समाजवादी पार्टी के मौजूद थे। गठबंधन के जो साथी सहयोगी थे उनकी बाद में बैठक हुई, अनुप्रिया पटेल, वो पल्लवी पटेल जी और शिवपाल जी, चूंकि इनके अपने अपने भी राजनीतिक दल हैं, तकनीकी तौर पर ये समाजवादी पार्टी के विधायक अवश्य हैं। ऐसी बहुत सी परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के लोगों के यहाँ भी हैं। तो कहने का मतलब ये था कि इसमें क्या समस्या आ गई थी, अखिलेश जी के नेतृत्व में जब हम उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे ये बार बार कह रहे थे, तो उनके नेतृत्व में विपक्ष जब काम करता, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से, उसकी चुनौतियों से, अखिलेश जी के नेतृत्व में जब लड़ने की हमारी क्षमता है, हम लड़ते जनता के सवालों पर, महंगाई बेरोजगारी के सवाल पर, हम कानून व्यवस्था के सवाल पर, तो यहाँ पर कहाँ असम्मान हो गया? अगर यह भाव था समाजवादी पार्टी के विधानसभा के सदस्यों का और विधान परिषद के सदस्यों का कि उनको विपक्ष का नेता विधानसभा में चुना गया और विधानमंडल दल का भी नेता चुना गया, आखिर वो सम्मान चाहिए किस तरीके का? शिवपाल जी मंझे हुए 3 दशकों का उनका राजनीतिक जीवन है, हर व्यक्ति का एक समय सीमा होती है,
उसके अनुभव का लाभ लिया जाता है। जब हम सत्यजीत जी आपको नेता मानकर राजनीति कर रहे हैं तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होता है, आपका आदेश, आपका निर्देश, आपका जो भी कहना होगा वो हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए उसका अनुपालन करना आवश्यक हो जाता है, यही दल का अनुशासन होता है। तो उस दल के अनुशासन के दायरे में अगर रहकर कोई बात करता तो निश्चित रूप से उस बात को गंभीरता से लिया जाता। अब आपने कई हार की चर्चा की थी, 14 में तो चचा थे साथ में ना, अलग नहीं थे, अलग नहीं थे ना, ये विवाद कहाँ से आया, इस इन विवाद की स्थितियों को कैसे, किसने जन्म दिया, कौन लोग थे, ये परिवार का मामला था। भारतीय जनता पार्टी तो चाहती थी कि परिवार टूटे, परिवार टूटे, परिवारवाद का हम पर आरोप लगता रहा और हमारे परिवार को तोड़कर वो अपने दल में भी शामिल करते रहे, तो ऐसा परिवारवाद जिसकी वो हमेशा खराबी बताया करते थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी स्वयं प्रशंसक है, क्योंकि उनके यहाँ तीन तीन पीढ़ियों के तीन तीन पीढ़ियों का परिवारवाद चला आ रहा है। नितिन जी, जी जी, हाँ जल्दी से नितिन जी, देखिए जावेद भाई के प्रश्नों का उत्तर पहले मैं दे दूं और थोड़ा हमें दो मिनट का समय जरूर जी जरूर। इन्होंने पहला प्रश्न किया कि सम्मान कहाँ नहीं मिला, पहले मैं बता दूं और सम्मान कैसा चाहिए था ये बताना चाह रही हूँ। सम्मान अनुभव का लाभ लेना चाहिए था आदरणीय अखिलेश यादव जी को, इन्होंने कहा दो दशक का, मैं कहता हूं कि 25 साल सरकारें चला चुके हैं आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी और 45 साल का उनका अनुभव है, 45 साल का उनका अनुभव है। और मजे की बात यह है कि उस अनुभव का लाभ क्या आदरणीय शिवपाल सिंह यादव ने लिया। आप एक चीज बताइए नितिन जी, कि दो चरण बीत जाता है उसके बाद स्टार प्रचारक बनाया जाता है, और मजे की बात यह है कि स्टार प्रचारक बनाए जाने के बाद भी उनको कहीं पे प्रयोग नहीं किया जाता, कहीं उपयोग में नहीं लाया जाता। आप बनारस से लेके तीसरे चौथे पांचवें छठवें सातवें चरण तक का चुनाव हुआ, लेकिन कहीं भी उपयोग में नहीं लाया गया। देखिए दो बातें थी, जब ये कहते हैं सम्मान की बात, तो सम्मान शब्द जब आता है तो उसमें सिर्फ मेरा ये कहना था कि आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी वो नेता विरोधी दल भी रह चुके हैं, कैबिनेट में भी रह चुके हैं, सरकारें चला चुके हैं, उनको सिर्फ चाहिए ये था कि उनके अनुभवों का लाभ लेकर के उत्तर प्रदेश की जनता को उसका लाभ पहुंचाते और उत्तर प्रदेश में जो है हुकूमत बनाते, आदरणीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते और 25 करोड़ 24 करोड़ की आबादी को उसका लाभ मिलता। सम्मान 24 करोड़ की आबादी के साथ जुड़ा था, सम्मान सिर्फ शिवपाल सिंह यादव जी का नहीं था। अब ये सम्मान की बात रही, अब इन्होंने कहा कि विधानमंडल दल की बैठक में ना बुलाया जाना। एक चीज हमें बताइए कि समाजवादी पार्टी के सदस्य के तौर पे आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी चुनाव लड़े थे और उन्होंने चुनाव चिन्ह साइकिल से अपना चुनाव लड़ा था और उन्होंने बकायदे सक्रिय सदस्यता ली थी, तो क्या सक्रिय सदस्य के तौर पे क्या समाजवादी पार्टी जब 111 सीट की बात करती है तो उसमें शिवपाल सिंह यादव जी नहीं जुड़े हुए होते हैं? उनको समाजवादी पार्टी की बैठक में बुलाना चाहिए था। अगर उन्होंने समाजवादी पार्टी की बैठक में नहीं बुलाया तो इसमें किसका दोष है? और विधानमंडल देखिए, फिर जब ये कहते हैं तो वो कह तो रहे हैं कि उनका अपना एक अलग दल है, अपनी एक राजनीतिक पार्टी है, उनको कैसे बुलाया जा सकता था, ये तो खाली सपा के विधायकों को बुलाया गया। गठबंधन दल की बैठक दल कैसा था? सत्यजीत भाई गठबंधन दल की बैठक हुई तो आदरणीय शिवपाल जी नहीं पहुंचे? 25 देखिए मेरी सुन लीजिए, आपने जो सवाल उठाए, 25 मार्च तक कोई असम्मान नहीं हुआ, 26 मार्च से असम्मान हो गया, जब सारा जीवन भतीजे के लिए समर्पित कर दिया तो फिर ऐसी कौन सी स्थिति आ गई उसको शिवपाल जी भी नहीं बता पा रहे हैं, आप भी नहीं बता रहे हैं। अरे वो आदरणीय हैं, आदरणीय रहेंगे, इस परिवार के किसी भी तरीके के विवाद को जो लोग हवा दे रहे हैं उनको भी हम जान रहे हैं, कौन लोग प्रायोजित कर रहे हैं, असम्मान कहाँ हुआ ये कोई भी नहीं बता रहा है हमारा साथी जी। तो मैं कह रहा हूँ क्या विधानमंडल दल की बैठक पल्लवी पटेल जी भी तो समाजवादी पार्टी की तकनीकी तौर पर सदस्य विधानसभा है, उनका अपना दल है, वो नहीं आई, लेकिन गठबंधन दल की बैठक में थी कि नहीं? पल्लवी पटेल को सीट दी गई थी? पल्लवी पटेल को देखिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को एक भी सीट दी गई थी? पहले आप बताइए गठबंधन कैसा गठबंधन? गठबंधन तब माना जाता जब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को एक भी सीट दी जाती। क्या स्टूल चुनाव चिन्ह पे कोई लड़ा था? आप एक चीज बताइए जाके, तो आपको तय करना था सत्यजीत जी कि आप स्टूल पर लड़ेंगे कि साइकिल पर लड़ेंगे, ये आपको तय करना था, यही चीज ये हमें नहीं तय करना था। न्यूनतम बिंदु पे जाकर के मैंने जो है जब शिवपाल जी से बात हुई तो मैं तो आप वहां थे ना, हम वहां थे, बिंदु पर भी जाकर के आदरणीय अखिलेश यादव ने नेता मानने से अपने आप को इनकार कर दिया। आदरणीय शिवपाल सिंह ने वो सम्मान दिया, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव का सम्मान कम नहीं है। आदरणीय अखिलेश यादव को चाहिए था कि जिस न्यूनतम बिंदु पे आदरणीय शिवपाल सिंह यादव गए थे और सम्मान दिए थे उसी बिंदु पे
आकर के आदरणीय शिवपाल सिंह यादव को भी सम्मान देना चाहिए था। 24 करोड़ की आबादी के लिए सम्मान देना चाहिए। कहां सम्मान हो गया वो बता दीजिए, कहां सम्मान मिला है, कहां सम्मान मिला है, 25 तारीख तक तो सम्मान था, ये चुनाव परिणाम आने के बाद 25 मार्च तक पूरा सम्मान था, उसके बाद कैसे भी पे जाकर के किसके इशारे पर अपनी कुर्बानी दी, किस राजनीति के तहत की कुर्बानी दे दी, तो कुर्बानी हमने भी दी है ना, ऐसा नहीं देखिए, कुर्बानी दोनों तरफ की है। और अगर भारतीय गैर भाजपावाद के विरोध अगर लाभबंद होना है तो समाजवादी पार्टी ही एकमात्र विकल्प है। जो भाजपा गैर भाजपावाद के विरुद्ध है उसको समाजवादी पार्टी के साथ आना ही आना पड़ेगा। गैर भाजपावाद बिना समाजवादी पार्टी के संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश में भाजपा के बाद सबसे बड़ा स्टेट होल्डर है, इसलिए मुख्यमंत्री बनाने के लिए उन्होंने जितना भी बन पाया उन्होंने किया। आप लोगों का क्या आप मानते हैं जावेद भाई, क्या आप मानते हैं कि समाजवादी पार्टी को समर्थन देने के लिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी पानी दे दी, इस बात को हम मानते हैं, इसको भी नहीं मानेंगे। ठीक है, आपको मानना ही पड़ेगा। आधिकारिक बयान आया कि आपने ऐसा किया वैसा किया। पल्लवी पटेल को सीटें दी गई, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को तो सीटें नहीं दी गई। आदरणीय शिवपाल जी के बाद भी हमने समर्थन किया, उसके बाद भी हम आपका साथ देते रहे, उनको बताना चाहिए, अपना नेता मानते रहे, उनको बताना चाहिए कि कौन सी सीट को चाहिए। ठीक है, प्लीज बैठक में बुलाया। ठीक है क्या बात करते हैं जावेद भाई, आप कम से कम तर्कसंगत बात तो कीजिए। तब समझ बात करने तो मजा आएगा, अच्छा लगेगा। मेरे जीवन में नहीं है प्रदेश की 24 करोड़ की आबादी के साथ धोखा हुआ। जब जब सदस्यों की बात आती है तो 111 के सदस्य संख्या बताते हो। देखिए ये समस्या अगर शब्द में कहने की बात आती अगर है, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता के बजाय अगर मैं विश्लेषक होता तो यही कहता कि पराजय के बाद ये सारी स्थितियां समाजवादी गठबंधन ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेताओं का प्रयोग किया। जब तक क्या विभिन्न जगहों पर परिणाम नहीं आया था उस समय तक सम्मान था, 25 मार्च तक सम्मान था, और उसके बाद हमने असम्मान कर दिया। शिवपाल जी के लिए और आदरणी के अलावा कभी कोई शब्द उपयोग नहीं किया जीवन, हमारे समर्थक पे हमारे सहयोग कोई भी उंगली नहीं उठा सकता, कोई उंगली उठा सके। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी गठबंधन को समर्थन सहयोग देने का काम किया है। किसी भी तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग नहीं कह सकते आदरणीय शिवपाल सिंह के लोगों ने अथवा शिवपाल सिंह यादव ने कहीं भी किसी भी तरीके से समाजवादी पार्टी का साथ नहीं दिया है। हमने तन मन धन से साथ देने का काम किया है। क्यों ऐसी बात करते हो? नेतृत्व पे विचार कीजिए, सही नहीं रहेगा तब तक आप किसी भी तरीके से चुनाव नहीं जीत सकते। बात आ गया, जीत के दिखाएंगे ये चुनौती मत दीजिए हमको। समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकती है। ठीक है, बात हो गई। आप लोग आ गई, बात आ गई, बात आ गई, बात मत कीजिए। जानना ही नहीं चाहते, सीखना ही नहीं चाहते। ठीक है, ठीक है, हम आगे चलेंगे, उनको समझने की जरूरत है। ठीक है, जब तक आदमी सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक जो है वो कभी भी किसी भी तरीके से प्रगत नहीं कर सकते। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास, मैं आता हूँ, प्लीज समय का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। आ गई सर, बात आ गई, प्लीज सत्यजीत क्या बात करते हैं? विवेक जावेद जी, विवेक जी के पास जी तर्कसंगत बात कीजिए। हाँ भाई, आ गई सत्यजीत जी, बात आ गई विवेक जी के पास चलेंगे। विवेक जी देख रहे हैं इस डिबेट में कि मैं मानता हूं कि आप लोग ज्यादा मजबूत है, क्योंकि विपक्षी दल तो आपस में ही लड़ रहे हैं, मैंने देख लिया, और ये सड़क पर भी दिख रहा है और डिबेट में भी दिख रहा है। फिलहाल आप कुछ कहना चाह रहे थे, अनुराग मिश्रा का कुछ बयान था उसको लेकर। अनुराग जी की जो शब्दावली थी मेरी उस पर आपत्ति थी। राजनीतिक दल के रूप में जिस तरह प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं, उनको दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं पर अशोभनीय टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, और अपनी शब्दावली दुरुस्त करके ऐसे मुख्यमंत्री के ऊपर हमला करे भाजपा के कार्यकर्ता, उसको भाजपा के लोगों को बुला के माला भी नहीं पहनानी चाहिए। राजनीतिक विरोध को राजनीतिक दंगे ये राज्यसभा में आपके बयान है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दंगों में लिप्त रहे, में आपके लोगों ने बयान दिया है 2014 से अभी तक 34 का समर्थन है उस दिशा में, जिस तरह से ये बयान दे रहे हैं ये ठीक नहीं है। आप करना आप मुद्दे पे आधारित आप मुद्दा आधारित 54,231 का सैंपल साइज है, जिसमें 91% लोगों ने यह माना है कि देश भर में गुंडागर्दी और दंगा फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। 89% लोगों ने माना है कि सबसे ज्यादा लफंगे गुंडे और बदमाश लोग, अगर अनपढ़ लोग अगर सबसे ज्यादा लोग हैं तो भारतीय जनता पार्टी में घुसे पड़े हैं। किस साइड की बात कर रहे हैं आप? 11,54,231 लोगों ने सैंपल सर्वे। कहाँ पर है ये, कहाँ लिखा हुआ है?
आप देख लीजिए ना, सर्वे कराया है पार्टी ने। वो सर्वे अपना अपनी अपना वो दो साइट की बात कर रहे हो जो आप, वो अपने पास रखो समाजवादी आम आदमी पार्टी इस तरह से बेवकूफी भरे बहुत कारनामे करती है। वो बेवकूफी कारनामों में उत्तर प्रदेश की जनता फंसने वाली नहीं, भारत जनता फंसने वाली है। जो फंस गए वो रो रहे हैं। इस पे सर्वे आप करते रहो कराते रहो, ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ भाषा का मर्यादा का ध्यान रखिएगा, यहाँ भाषा की मर्यादा का ध्यान रखिएगा। यहाँ का मर्यादा तो बहुत बढ़िया आप लोग चला रहे हैं, वो दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार बहुत कायदे से काम कर रही है, प्रयोग करना चाहिए किसी भी दल के लिए। सरकार बहुत कायदे से काम कर रही है और अपनी शब्दावली ठीक रखिएगा। आम आदमी पार्टी नहीं घबराती है, नहीं आम आदमी पार्टी घबराती नहीं, आम आदमी पार्टी अराजकता की जनक है। जिस तरह अराजकता की भाषा आप बोल रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई कार्रवाई हो जाए, आप लाइट पे आ जाए, इस तरह की अराजकतावादी जो आपकी सोच है, मैं उस सोच पे जो आपको समझा रहा हूँ, इस तरह की धमकी दूसरे राजनीतिक दलों को दे रहा हूँ, धमकी नहीं घबराती है, इस तरह की अपनी भाषा सुधार लीजिए। अपनी भाषा सुधार लीजिए, किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के लिए ऐसी भाषा ठीक नहीं है। सत्यजीत जी वरिष्ठ आदमी, वो भी आपको सलाह दे रहे, उनकी सलाह भी समझ लीजिए। मत भिन्नता हो सकती है, मन भिन्नता हो सकती है, लेकिन इस तरह की भाषा ठीक नहीं है राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के लिए। आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप सत्यजीत जी को सपोर्ट कर रहे हैं। आप राजनीतिक दल के बात शब्दों का प्रयोग सही से करना चाहिए। विवेक जी को बोलने दीजिए, अनुराग भाई, अनुराग भाई सुन लीजिए पहले क्या कह रहे हैं। अनुराग भाई सुन लीजिए विवेक जी क्या कह रहे हैं। हाँ विवेक, ऐसे लोगों को माला पहनाने, बलात्कारियों को माला आप लोग पहनाते हैं, गुंडो लफंगों को माला आप लोग पहनाते हैं, उनको ले आकर के ज्वाइन आप लोग कराते हैं। जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री को अपमान करने वालों को माला किसने पहनाया? कौन स्वागत करता है अपने मंच पर? और भारतीय जनता पार्टी से हमको ठीक है। अनुराग भाई आगे बात आ गई, जवाब ले ले, अनुराग भाई जवाब ले ले। हाँ विवेक जी आ रहा हूँ, आ रहा हूँ आपके पास। ये राजनीतिक मुद्दों पे विरोध अलग विषय है। राजनीतिक कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करता, धरना प्रदर्शन करता है, उसमें आप किसी को गुंडों लफंगों की पार्टी बता दें, ये उचित नहीं है। एक सबसे बड़े राजनीतिक दल के लिए जिसका एक गौरवशाली इतिहास रहा, मुख्यमंत्री के घर में घुस करके पथराव करेंगे, वो प्रदर्शन है। मुख्यमंत्री जिस तरह से अराजकता बताएंगे किसी को, मुख्यमंत्री जिस तरह से इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिस तरह कहेगा कि हम जो है एक खास वर्ग की महिलाओं को बुला करके उनके साथ रेप करेंगे, उनको आपका सांसद माला पहनाता है। जिस तरह का टिप्पणी थी, जिस विषय पे युवा मोर्चा ने धरना दिया था अनुराग जी, जिस तरह का सदन में मुख्यमंत्री का आचरण था, वो भी अशोभनीय था। कश्मीर के विषय पे जिस तरह का आचरण जवाब था मुख्यमंत्री का, जिस तरह से आपके विधायक की हंसी थी, वो बहुसंख्यक समाज के लिए अपमानित करने वाली बात थी। उस पर जितना हुआ कब हुआ? मुख्यमंत्री को जूतों से मारने की आवश्यकता थी ऐसे मुद्दों पे। बहुसंख्यक समाज के आप, बहुसंख्यक समाज के आप इस तरह से आवेश में बात नहीं कर सकते। आप अपनी मर्यादा में रहिए। जिस तरह का आचरण पंचायत सदन में किया था वो अशोभनीय था। युवा मोर्चा ने जो किया वो कब किया? मैं युवा मोर्चा के उस प्रदर्शन के उनके घाव पे आप हंसी उड़ा रहे थे सदन के अंदर। जो भारत के टैक्स पेयर के पैसे से जहाँ आप खड़े थे, वही आप भारत के टैक्स पेयर के घाव को कुरेद रहे थे। शर्म आई है आपको, आनी चाहिए आपकी विधायक। आपको दुनिया भर की फिल्में टैक्स फ्री करने की याद आती है? एक इसमें बहुसंख्यक समाज की पीड़ितों का दर्द दिखाया जा रहा है, उसको टैक्स फ्री करने में आपकी नाली भर रही थी, आप उपवास उड़ा रहे थे सदन के अंदर। अगर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता विरोध करते हैं तो वो उसको विरोध समझिए, उसमें आप इस तरह की भाषा प्रयोग नहीं कर सकते। आपका आचरण अशोभनीय था। कश्मीरी पंडितों पे नौकरी किसने रोकी जब सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिला? युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जो धरना प्रदर्शन किया, मैं पूरी तरह से उन युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के साथ हूँ। आपकी पार्टी ने किया है आप अपने आचरण सुधारिए। इस तरह का आचरण व्यापार करते हैं,
सदन में ये शोभा नहीं देता। आप लक्ष्मी करिए ना करिए, आपको पास वाले करता नहीं है। अगर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पास के विरोध में जाएंगे तो आपको माला पहना के नहीं आएंगे। काम नहीं करो, अपने आप से सुधार लीजिए। आप जिस तरह से भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अगर युवा मोर्चा नहीं आती है, अगर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता होते तो उसका जवाब आपको ठीक से दे देते। आप इसी भाषा का, आप इसी भाषा में जवाब सुनने लायक है। हाँ, इसी जवाब में कल भिजवा दीजिएगा, हमारे घर पे भिजवा दीजिएगा, पथराव यहाँ भी करा दीजिए। वो भी जवाब यही तो करते हैं, यही काम ही है आपका। जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, यही काम है। आप उसी भाषा में जवाब, भाषा पर लेक्चर दे रहे हैं और भाषा में आप करें सुने हुए मुख्यमंत्री को आप झूठा दिखा रहे हैं। सुने हुए मुख्यमंत्री के लिए आप शब्दों का प्रयोग करेंगे। आप बिल्कुल चुना हुआ मुख्यमंत्री सदन में बैठ कर बहुसंख्यक समाज का उपास नहीं उड़ा सकता। बहुसंख्यक समाज का भला कर रहे हैं, पैसे से पल रहे हो। बहुसंख्यक समाज के बहुसंख्यक समाज के चंदौली में जिस बेटी का रेप हुआ, वो बहुसंख्यक समाज की नहीं है। भाजपा की सरकार में कोई आरोपी बख्शा नहीं जाता। ठीक है, प्लीज, ठीक है। जैनिंद, जैनिंद क्या कह रहे हैं? परिवार, ठीक है, अनुराग जी बात आ गई, प्लीज अनुराग जी, प्लीज प्लीज समाज के नहीं थे। ठीक है, प्लीज अनुराग जी आगे जैनिंद की बात ले। जैनिंद क्या कह रहे हैं? सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि 2024 की तैयारी के लिए जो आपने खाका पूछा था, तो वही मैं बताना चाह रहा हूं कि आज की डेट में जो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, महंगाई, और सबसे बड़ी जो महंगाई भी है तो वो सब्जियों को लेके जो महंगाई है। आम आदमी खाए तो खाए क्या, आज के डेट में सब दाल के बराबर सब्जियों के दाम हो गए हैं, रोजगार तो मसालों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। एक संगठन की रिपोर्ट आई है, उस संगठन की रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी दर है वो 2.9% बची हुई है। नहीं, ये देखिए मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ, उसका कारण ये है कि ये जो रिपोर्ट दी है वो रिपोर्ट इस आधार पर दी है कि बहुत से लोग जो वापस आए थे कोरोना काल के दौरान, वो लोग थक गए हैं खेती में। खेती में आपको पता है कि एक किसान को प्रतिदिन 27 रुपए की आमदनी होती है, इतना वो होती है। जो मजदूर बाहर उत्तर प्रदेश से बाहर रह रहे थे और प्रति महीना 15,000 रुपए से 30,000 रुपए यानी 500 रुपए से 1,000 रुपए पर डे कमा रहे थे, आज वो 28 रुपए से लेके 50 रुपए प्रतिदिन कमा रहे हैं। तो ये जो 28 रुपए और 500 रुपए का अंतर है, तो आप इसे रोजगार नहीं बोल सकते। आज के डेट में आप नहीं, आप एक मिनट सुनिए, उन मुद्दों को लेकर के सड़क पर कब आएंगे? अनुराग मिश्रा कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में बिल्कुल बेरोजगारों के साथ हम आम आदमी पार्टी खड़ी है, बाकी कोई विपक्ष नहीं खड़ा है। लोग वहाँ धरना कर रहे हैं, हम उनके बीच में गए थे और उनसे मिले भी थे। नहीं नहीं, क्यों नहीं जा रहा है? लखनऊ में धरने बैठे हुए, उनसे मिलके आए थे हम लोग, चाहे वो अनुदेशक हो, चाहे वो खेल शिक्षा शिक्षक हो, जिनकी भर्ती नहीं की जा रही है। पिछले 6 साल के अंदर कोई भी भर्ती सरकार ने नई नहीं निकाली है। जो पुरानी भर्तियां थी उन भर्तियों को भी रोक रखा है या फिर प्रश्न पत्र लीक हो गए। अभी जस्ट सरकार बनने के बाद भी यूपी बोर्ड का एक प्रश्न पत्र लीक हुआ है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पा रही है और भाजपा से जुड़े लोग ही उसमें शामिल पाए गए हैं। अनुराग मिश्रा क्यों कह रहे हैं कि आप सड़क पे नहीं उतर रहे हैं? समाजवादी पार्टी की सरकार में अगर सड़क पर होता है ना, ये मतलब होता है कि अगर विधानसभा को घेरना है तो हम उन लोगों के बीच में गए हैं, उन लोगों से मिले हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं दारू सपा में बैठ के या वहाँ विधानसभा के सामने बैठ के। फांसी कर दिया, प्राइवेट कर दिया गया। जौनपुर समाजवादी पार्टी का गढ़ है, तमाम यहाँ विधायक है, उनके मुँह से आवाज नहीं निकलती, पता नहीं क्यों डर रहे हैं। तो मैं करो आम आदमी पार्टी हमेशा आवाज उठाती है, हम बार बार चिल्ला रहे हैं। गवर्नमेंट 71 गवर्नमेंट कॉलेज इन्होंने बनाए, सारे के सारे सेल्फ फाइनेंस कर दिए, कोई नहीं बोलता है। जावेद भाई, तो भाई आपकी सरकार में तमाम चीजें जो ठीक है, अनुराग जी जवाब ले लीजिए, जावेद भाई कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं दो चीजें आ रहा हूं आपके पास। केवल ट्विटर से राजनीति नहीं होगी, मैं तो सारे विपक्ष के लोगों से कहता हूँ सड़क पर। समय कम है मेरे पास, समय कम है। जावेद भाई 10 सेकंड प्लीज। अनुराग जी, ऐसा है, कौन सा मुद्दा कब उठाना है, क्या परिस्थितियां हैं, उन पर कोई डरपोक नहीं है। समाजवादी पार्टी डर कर राजनीति नहीं करती और ना कोई हमको प्रायोजित कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात यह है, ललितपुर में घटना हुई, अखिलेश जी गए कि नहीं गए, सैयद राजा जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, इस तरीके की वो लगातार अनुदेशक हों, शिक्षा मित्र हों,
बीपीएल धारक हों, जो भी अभ्यर्थी हैं उनसे लगातार मिल रहे हैं। अगर किसी को नहीं दिखाई दे रहा है, अगर कोई नकारात्मक राजनीति कर रहा, तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं। अखिलेश जी सुबह से शाम तक कार्यालय में बैठ रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, कार्यकर्ताओं को निर्देश दे रहे हैं, सैयद राजा भी जा रहे हैं जहाँ पर एक बड़ी विभत्स घटना हुई, पूरे गाँव के लोगों ने किस तरीके से उसमें भाजपा के विधायक के ऊपर भी उंगलियां उठी हैं, और भी राजनीतिक दल गया है, या हमारे सहयोगी जो गठबंधन के दल हैं, चाहे सुभाषपा हो या दूसरे दल हो, ये लोग जा रहे हैं मौके पर। और हम संघर्ष वाले लोग हैं, संघर्ष करना जानते हैं और कभी भी संघर्ष से पीछे नहीं रहेंगे। पहली बात नितिन जी, पांच सेकंड में तीन बात कि राजनीति में हमारा वैचारिक विरोध हो सकता है और वो बना रहेगा, विचार कभी मरते नहीं है, विचार और सिद्धांत पर एक राजनीतिक दल अडिग होता है, लेकिन हम लोग कभी नकारात्मक भाषा का उपयोग नहीं करते हैं। राजनीतिक दलों को, कोई भी दल हो, चाहे हमारा प्रवक्ता हो, हमारा साथी हो, किसी दूसरे दल के लिए नकारात्मक भाषा का, शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। समय कम है, हाँ, पांच सेकंड जैनिन, पांच सेकंड में बोलिए अपनी बात। मैं बस ये बताना चाहूंगा, हमारे नेताजी की तरफ से, हमारे विधायकों की तरफ से 5-6 बार मीटिंग कर चुके हैं अलग अलग विभागों के मंत्रियों के साथ, अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेके, वो बिल्कुल उन लोगों के साथ भी मिले हैं जो वहां पे लखनऊ में धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए, उनके साथ उनसे कागज लेके आगे पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस डिबेट में जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और अपना पक्ष रखने के लिए। तो आज हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मुकाबले जो अन्य राजनीतिक दल है वो किस तरह से अपनी लड़ाई को मजबूत कर रहे हैं 2024 के लिए, और केंद्र में भी किस तरह से इस लड़ाई को और मजबूत करके लड़ा जाएगा। नतीजे क्या होंगे ये तो 24 में ही पता चलेगा, लेकिन उसके पहले जिस तरह से रोड मैप तैयार किया जाएगा उससे पता चल जाएगा कि आखिर मजबूत कौन है। फिलहाल अभी की पोजीशन ये है कि बीजेपी बाकी राजनीतिक दलों से काफी मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल आज की डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस